नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में 28 अक्टूबर से होगा चुनाव का आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया और बीते दिन इसकी विधिवत घोषणा कर दी गई है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को करवाया जाएगा और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को मतदान की गिनती होगी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले में मतदान होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर को उत्तर बिहार के जिला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिले में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 7 नवंबर को बोधगया सहित 7 जिले जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पटना सहित बक्सर, सारण, नालंदा, गोपालगंज, सिवान में मतदान होंगे। आशा ट्रेनर के पदों पर निकाली गई वैकेंसी। एएनएम या जीएनएम में डिप्लोमा कर चुके सभी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार ने सुनहरा अवसर दिया है। बिहार सरकार के राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला आशा ट्रेनरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2020 से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बिहार हेल्थ सोसाइटी के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2020 बताई गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को एएनएम जीएनएम में डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव या BAMS, BUMS, BMMS की डिग्री और 2 साल का अनुभव या पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, सोशल साइंस में पोस्टल ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना अनिवार्य है। होम सेंटर पर छात्र देंगे MIT की परीक्षा। इंजीनियरिंग छात्रों की परीक्षा होम सेंटर पर आयोजित करवाई जाएगी। 29 सितंबर से फाइनल ईयर की परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। MIT के छात्रों की परीक्षा MIT में ही ली जाएगी। प्रचार डॉक्टर JN झा ने बताया है कि होम सेंटर पर परीक्षा ली जाएगी। साथ ही साथ MIT की परीक्षा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना की तरफ से होती है। अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है। साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी परीक्षा होने वाली है। कॉलेज में जगह खाली नहीं होने के कारण भी होम सेंटर बनाने की बात हो रही है। तारीख का ऐलान होते ही बिहार में लागू हुई आचार संहिता। बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन की तारीख के ऐलान के बाद चुनाव आचार संहिता तुरंत ही लागू कर दी गई है। आचार संहिता के लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकारी गाड़ी खरीदने और साथ ही साथ सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,75,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,632 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,75,898 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 39, अरवल में 32, औरंगाबाद में 24, बांका में 63, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 46, भोजपुर में 31, बक्सर में 15, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 15, गोपालगंज में 30, जमुई में 28, जहानाबाद में 28, कैमूर में 9, कटिहार में 23, खगड़िया में 9, किशनगंज में 42, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 56, मधुबनी में 43, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 49, नवादा में 33, पटना में 294, पूर्णिया में 134, रोहतास में 62, सहरसा में 34, समस्तीपुर में 26, सारण में 29, शेखपुरा में 31, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 18, सिवान में 13, सुपौल में 58, वैशाली में 27, पश्चिम चंपारण में 47। वहीं कोविड-19 की वजह से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट की माने तो कुल मिलाकर 1,61,510 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 881 लोगों की जान जा चुकी है। रजिस्टर्ड छात्रों को केंद्र पर फी जमा करने का मिला मौका। JEE एडवांस में फी नहीं भर सके रजिस्टर्ड छात्रों को केंद्र पर फी जमा करने का एक और मौका दिया गया है। फी नहीं जमा करने पर उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। 27 सितंबर को होने वाली JEE एडवांस परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। छात्रों के एडमिट कार्ड पर इसका उल्लेख है। JEE एडवांस के लिए रजिस्टर्ड छात्रों में अभी बड़ी संख्या में छात्रों ने फीस नहीं भरा। यदि वे परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर फीस जमा नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों को एडमिट कार्ड लौटाने का निर्देश मिला है। गाइडलाइन के अनुसार छात्र कोविड-19 पॉजिटिव नहीं थे, इसके सत्यापति पत्र भी लेकर आना होगा। घर बैठे बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम। चुनाव आयोग ने बीते दिन बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है। इसके बाद आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाकर चुनावी तैयारियों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब ऐसे में बिहार के मतदाताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि वो जान सके कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ECI.gov.in पर जाना होगा। वहां आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको मेन्यू दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पोलिंग पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही
आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें से आप सभी जानकारी जैसे कि नाम, उम्र, जन्मतिथि आदि आपको भरना होगा। आप सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपके सामने आपकी वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस खुल जाएगा। गोपालगंज में पानी के दबाव से फिर टूटा सारण मुख्य बांध, बारिश एक बार फिर से बिहारवासियों के लिए परेशानी बन गई है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले में एक बार फिर से बरौली के देवापुर में सारण मुख्य बांध टूट गया है। बांध के टूटने से गोपालगंज, समिति, छपड़ा और सिवान जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बांध टूटने की सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर उसके मरम्मत और राहत बचाव के काम में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर बराज पर 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से पानी का दबाव बढ़ जाने की वजह से यह बांध टूट गया है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बांध टूटने की वजह से कई गांव भी प्रभावित हुए हैं। लोग सुरक्षित जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिवपू जन सहाय की। शिवपू जन सहाय का जन्म 1893 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। उन्होंने कोलकाता से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। 1924 में लखनऊ से प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन भी किया था। वहीं 1939 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता और लेखन का काम किया। 1934 से 40 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय से संपादन का काम किया। 1946 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रसभा परिषद के निदेशक भी रहे। वहीं उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में बिहार का नाम हर स्तर पर रोशन किया था। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी लिंक का मानक उपाधि भी उन्हें दे दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब परिषद इलेक्शन का बज गया बिगुल। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव का भी बिगुल बज गया है। बिहार के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग में तारीखों की घोषणा कर दी गई है। परिषद के चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को विधान परिषद के लिए मतदान की तारीख तय कर दी गई है। बिहार में 4 शिक्षक और छात्र स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए 28 सितंबर सोमवार को अधिसूचना जारी होगी। 5 अक्टूबर सोमवार तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस किया जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग होगी। वहीं इसके लिए शाम के 5 बजे तक मतदान का समय तय किया गया है। 22 अक्टूबर को वोटिंग का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार के 16 जिलों में अगले 48 घंटों तक बारिश की बड़ी संभावना। बिहार में मॉनसून ने बड़े जोरदार अंदाज में दस्तक दे दी है, जिसके बाद कुछ दिनों तक मौसम का हाल कुछ यूं रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ तौर पर अगले 48 घंटों तक बारिश के आसार जताए हैं। विभाग का मानना है कि अगले 2 दिन तक मध्यम और भारी बारिश के आसार बनते देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर 16 जिले में भारी बारिश को लेकर सतर्कता जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है, जहां पर बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। बिहार के अंचलाधिकारियों की अब खैर नहीं। बिहार में अंचलाधिकारी ने सरकार के नाक में दम कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद अंचल में तैनात अंचलाधिकारी दाखिला खारिज को लटका कर रखने से बाज नहीं आ रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती से पेश आने वाला है। विभाग ने सबसे पहले बेहतर और सबसे खराब काम करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। जिनका परफॉर्मेंस सबसे खराब है, उस पर सख्ती से पेश आया जाएगा। सभी अधिकारी दाखिला खारिज आवेदन को लेकर लंबित रखे हुए थे और तमाम गाइडलाइन के बाद भी अंचलाधिकारी इस मामले को निपटाने में विफल या जानबूझकर लटकाए हुए थे। किसान बिल को लेकर बिहार में विपक्षी दलों ने किया जमकर विरोध। किसानों के समर्थन में आहूत भारत बंद का असर बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। राजधानी पटना में तो भाजपा और जाप समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई है। वहीं बेगूसराय जिले में सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थकों ने NH 31 को जाम कर दिया है। इससे वाहनों की लंबी कतार देखी गई है। झंडा बैनर के साथ कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते देखे गए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सबको कहते हैं कि ज्ञान नहीं और खुद को बड़ का ज्ञानी मानते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कृषि विधेयक को पढ़ा भी है या नहीं। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को सत्र 2021-22 में नामांकन को लेकर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को आयोजित करवाई जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से शुक्रवार को परीक्षा की तारीख के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत प्रवेश परीक्षा को लेकर 30 नवम्बर तक फॉर्म भरने का आदेश दिया गया है। गुप्तेश्वर पांडे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ। राजनीतिक पारी को लेकर कुछ भी बयान देने से बच रहे बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है और कहा है कि नीतीश इज द बेस्ट CM। नीतीश सरकार की शराबबंदी से लेकर बिजली, सड़क और विकास के तमाम काम की उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार के DGP के तौर पर खुलकर काम करने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें योग्य समझा, तभी तो बिहार के 12 करोड़ की जनता की सेवा का मौका मिला है। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि उनके समर्थकों की प्रबल इच्छा है कि वे राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करें।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हटाए जाने लगे बैनर और पोस्टर। बीते दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ साथ आचार संहिता भी लागू कर दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दे दिया है। इसी क्रम में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद ही राजधानी पटना सहित सभी जिलों में लगे बैनर पोस्टर को हटाने की शुरुआत हो चुकी है। जिला मुख्यालय सहित सभी शहरों के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सरकार के बैनर पोस्टर को पदाधिकारी घूम घूम कर हटाने में जुटे हुए हैं। समाहरणालय परिसर समेत अन्य सरकारी विभागों में लगे बैनर पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने सभी सरकारी कार्यालय परिसर के सभी दीवार पोस्टर कागजात या किसी भी तरह कटआउट होर्डिंग सहित संपत्ति पर लगे बैनर झंडे आदि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दे दिया है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीख का ऐलान करने के बाद ट्वीट करके सभी बिहारवासियों से अपने मत का सही इस्तेमाल करने की अपील की है, जिसके तहत चुनावी शंखनाद के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी तरफ से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने ट्वीट कर बिहार के लोगों से उठने और तैयारी करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अवसर राज खत्म होगा जब जनता का राज होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं अवसर चला रहे हैं। तेजस्वी और पप्पू यादव समेत 200 लोगों पर दर्ज हुआ मामला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जा प्रमुख पप्पू यादव समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। यह मामला भाजपा की तरफ से दर्ज करवाया गया है। थाने में दिए गए आवेदन में भाजपा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनबन, जिला प्रशासन की अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध और कोविड-19 प्रोटोकॉल सामाजिक दूरी के उल्लंघन की बात कही है। आपको बता दें, बीते दिन कृषि विधेयक के विरोध में राजद और जाप द्वारा विरोध किया गया था। इस दौरान जाप कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर जमकर बयानबाजी करते वे भी देखे गए थे। चिराग पासवान ने बीते दिन साझा की भावुक ट्वीट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक के बाद एक लगातार 5 भावुक ट्वीट किए। चिराग ने लिखा कि चुनाव की घोषणा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर थोड़ा भावुक हो गए और मार्गदर्शन करने वाला उनके सामने कोई नहीं है। बिहारियों के लिए उनकी कल्पना को साकार करने की कोशिश करूंगा। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब आप सबके नेता और मेरे पापा इस चुनाव में बिहार में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। मुझे विश्वास है वो जल्द ही डिजिटल माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से जुड़ेंगे। सबके मन की पापा के प्रति आदर देखकर उनका बेटा होने पर गर्व हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरे मोर्चे के दिए संकेत। महागठबंधन से नाराज चल रहे रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का हाथ थामने के बजाय तीसरे विकल्प का संकेत दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियां मुस्तैद होकर काम कर रही हैं। सभी दलों ने चुनाव की तारीख की घोषणा का भी स्वागत किया है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव की तारीख की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि जागो उठो और वोट की चोट से भ्रम, भूख, जंगल राज को शासन के विरुद्ध बिहार में अमन चैन और शांति सुख के साथ पढ़ाई, साथ ही साथ शिक्षा, कमाई, रोजगार, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, कृषि उन्मुखीकरण, सुनवाई और कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार लाने के लिए जन जागृति लाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ट्वीट में तीसरे मोर्चे का संकेत भी दे दिया है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने कृषि बिल का किया विरोध। बीते दिन लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र सड़कों पर कृषि बिल का विरोध करते नजर आए। कृषि बिल के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो निकले थे, उनका साथ देने उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी सड़कों पर नजर आए। कृषि बिल का विरोध बढ़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी का साथ देने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर भी दिखाई दिए। तेजस्वी यादव पटना के सड़कों पर ट्रैक्टर चला रहे थे और तेज प्रताप यादव उनकी फैक्ट्री के ऊपर बैठकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तेजस्वी यादव ने कृषि विधेयक के विरोध में सड़क पर बीते दिन विरोध किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। 10 साल के बाद बदला जा रहा है विकिपीडिया का डिजाइन। विकिपीडिया का डेस्कटॉप इंटरफेस पिछले 10 सालों में एक जैसा ही देखने को मिल रहा था। इसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला था। हालांकि अब इसे रीडिजाइन किए जाने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव टेबल और कंटेंट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजाइन चेंज होने के बाद टेबल और कंटेंट्स फॉर टाइप करके आप लिस्ट एक्सेस कर पाएंगे। यह किसी आर्टिकल के अलग अलग पहलुओं को जानने का और भी आसान कर देगा। विकिपीडिया के नए बदलाव की बात करें तो डेस्कटॉप इंटरफेस में जो साइड बार दिख जाता है उसमें हैमबर्ग आइकॉन पर इसे कोलैप्स किया जा रहा है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए 1 क्लिक बटन दिया जाएगा, जिसके जरिए आप आर्टिकल पढ़ते वक्त 1 क्लिक सही लैंग्वेज बदल सकते हैं। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत मामले का राजनीतिकरण होने के शिवसेना ने जताई संभावना। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से बिहार में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। बिहार सरकार के पास बोलने के लिए कोई विकासात्मक या शासन संबंधी मुद्दा नहीं था। उन्होंने सुशांत के पोस्टर के साथ प्रचार करना भी शुरू कर दिया। इसलिए स्पष्ट है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले और एनसीबी के हस्तक्षेप को इतना तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का क्या हुआ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य चुनाव मैदान में उतरने के लिए आईपीएस से इस्तीफा दे दिया। यह एक लंबा नाटक है जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा।
मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने दुनिया को कहा अलविदा। मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी बाला सुब्रमण्यम कोविड-19 से प्रभावित है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, उनके गुजर जाने की जानकारी उनके बेटे ने साझा की है। दरअसल कई दिनों से एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। उनका कोविड-19 जांच भी करवाया गया। 13 सितंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 16 से अधिक भाषाओं में गाना गाया था। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दूसरी बार हार गई है। बीते दिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ आयोजित करवाए गए मैच में जहां दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रनों का लक्ष्य दिया, वहीं चेन्नई के 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। धोनी की रणनीति और बल्लेबाजी दोनों ही फ्लॉप साबित हुई। इसके साथ ही सबसे ज्यादा रन 43 रन फॉफ डू प्लेसिस ने बनाए। जाधव ने 26 रन और धोनी ने महज 15 रन बनाए। वॉटसन भी मात्र 14 रन पर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के हीरो पृथ्वी शॉ रहे, जिन्होंने 64 रन बनाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय मोहाली, शशि भूषण, बंधु झा, अजय कुमार यादव, ईश्वर प्रसाद, सोनी कुमारी, उजाला चौधरी, मौर्य प्रदीप सिंह, दीपक कुमार शर्मा, इंदल कुमार, बबलू राज, राजवीर राणा, प्रेम कुमार, रणदीप कुमार, गोलू कुमार, सोनू कुमार, राम कुमार, बलराम शर्मा, प्रेम कुमार, संजय प्रसाद, रणधीर कुमार पासवान, अभिषेक किंग। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।